बसमिल्लर जब जिंदगी में मुश्किल पड़ती दिखाई दे तो दुलद पाक का विद स्टार्ट कर दे। ताला, ताला आप सबको इस मुश्किल से निकाल देगा जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आज हम अपने पहले लेक्चर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कि क्वाडेटिव क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर आपको दो वेरिएबल मिलेंगे और उसमें एक आपके पास कांस्टेंट होगा जैसे कि ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाई है ए एक प्लस बी एक्स प्लस सी अब देखिए इसके अंदर ये भी एक वेरिएबल आ चुका है एक ये वेरिएबल आ चुका है और देन ये एक कॉन्सटेंट आ चुका है अब क्वालिटी क्वेश्चन के अंदर आपको जो दो वेरिएबल मिलेंगे इसमें जो पहला वेरिएबल होगा इसकी पावर सबसे ज़्यादा यानी कि टू होगी ये हम केयर कहते हैं ये हम स्केर कहते हैं जैसे मैंने आपको डेफरेज भी लिखी नजर आ रही होगी एनी क्वेश्चन विच कंटेन द स्केयर ऑफ आर नोन वेरिएबल कि एक ऐसा ही वेरिएबल होगा जिसकी पावर क्या होगी स्केयर और उसके साथ एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर वन होगी क्योंकि हम जानते हैं जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर वन होती है और एक मेरे पास एक कॉन्स्टेंट होता है अब क्वान्टिटी क्वेश्चन तो ये आपको एक क्वेश्चन अगर आ गई है अब इसका एक फार्मूला होता है जिसको हम कहते हैं एक्स इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए अब ये क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है अब ये अक्सर बच्चे इसे याद तो कर लेते हैं एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर फोर ए सी ये तो याद हो तो जाते हैं लेकिन अब ये आया कैसे है ये हमने सीखना है तो आज मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये आया कहते है कैसे है अभी क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो अब जो वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है और यानी कि एक्स क्यूर जो वेरिएबल इसकी पावर सबसे ज़्यादा है इसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा जैसे ये एक कांस्टेंट है इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपने डिवाइड करवा देना है तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी एक्स क्यूर प्लस बी एक्स प्लस सी ये डिवाइड किया A के साथ इसका भी डिवाइड कर दिया ए के साथ सी को भी डिवाइड कर दिया एक साथ और इक्वल आ गया जीरो डिवाइडेड बाय ए सबसे पहले हमने वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा उसके साथ जो कांस्टेंट है उसे ख़त्म करना होता है दैन ये ए इससे से कैंसिल हो गया और पीछे रह गया एक्स क्यूअर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई एज़ इक्ल जीरो समथिंग कोई भी रकम हो तो वो आ जाता है ज़ीरो ठीक है अब दूसरी हमने एक चीज़ देखनी होती है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले जाए एक्स स्केर प्लस बी एक्स और एज इक्वल माइनस सी ओवर ए अब ये प्लस है इक्वल किस तरफ आएगा तो ये माइनस आ जाएगा अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा होता है वो एक रूल होता है वो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं अब ये रूल आपने याद रखना है कि आपके पास जो वेरिएबल हो जिसकी पावर ए को उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा जैसे बी ओवर ए ये कांस्टेंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है वन बाई टू के साथ ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक्स जो सा वेरिएबल है जिसकी पावर वन होगी उसके साथ जो सा भी कांस्टेंट होगा उसको आपने वन बाई टू से मल्टीप्लाई करवाना है तो आ जाएगा आपके पास बी ओवर टू ए अब ये जो भी है बी बाई टू इसको आपने दोनों तरफ प्लस कर देने यानी कि हो जाएगा एक्स स्वर ओवर प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस देखिए बी बाय टू ए का स्केयर ले और प्लस किया इस तरफ भी तो यानी इस तरफ ऐसे ही सी ओवर ए प्लस बी बाय टू ए का स्केयर ले अब देखिए ये प्लस का एक और के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस करके कैंसिल होगा इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा अब क्या करना है आपने ये देखिए ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि ये फार्मूला ऐसे कुछ बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ गया वाई का स्क्वायर वी बाय टू ए फार्मूला होता है प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स और ये वाई बी बाई टू ए अब आप सोच रहे हो गए ये टू कहाँ से आ गया ये टू कहाँ से आ गया तो देखिए जब ये टू इस टू के ऊपर डिवाइड होगा तो पीछे क्या बचेगा बी एक्स ओवर ए तो देन वो ही क्वेश्चन बन गई यानी कि इस क्वेश्चन के को ऊपर कोई फर्क नहीं आया ऐसे जब इसका फॉर्मूला मैंने ओपन किया ये बन गया बी स्केयर टू को ओपन किया तो ये हो गया फोर ए माइनस सी ओवर एस मैंने ये स्क्वायर ओपन किया है फिर क्या हो गया है? ये एक्स का स्क्र प्लस वाई का स्क्यर फार्मूला बन रहा है एक्स प्लस बी ओवर टू ए का स्क्र आ गया इज इक्वल इन दोनों एलसीएम देखो क्या आ गया फोर ए आ गया फोर ए को फोर ए के ऊपर डिवाइड किया पीछे बच किया वन वन को बी स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो आ गया बी का स्क्यर साइन माइनस का वैसे कैसे का ए को ए के ऊपर डिवाइड किया देन रह गया फोर फोर को सी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया फोर सी ठीक है अब देखिए ये स्केयर रूट है इसको हमने कैंसिल करना है तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्केयर रूट ये था दोनों तरफ स्केयर रूट लिया एक्स प्लस बी ओवर टू ए का स्केयर इस तरफ भी स्केयर रूट देन यहाँ पे भी आ गया बी स्केयर माइनस फोर देन ये देखिए ये ए स्केयर था ए स्क्र दैन ए फोर ए सी ओवर फोर ए का स्क्र और इस तरफ भी ये आ गया जब ये स्केयर रूट कैंसिल होगा तो मेरे पास रह जाएगा एक्स प्लस बी ओवर टू ए एब स्केरूट कैंसिल करते हो तो इस तरफ हम लगाते हैं प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए का स्क्र जी तो ये क्वेश्चन मैंने एक नए पेज के ऊपर लिखी हुई है वो क्वेश्चन आ गई अब ये प्लस है एक और किस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा यानी कि बन जाएगा माइनस बी बाय टू ए प्लस माइनस बी का स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय फोर ए का स्क्वायर अब ये देखिए माइनस बी बाई टू है तो वैसे का वैसे ही आ गया प्लस माइनस भी आ गया अब ये रूट देखिए ऊपर तो वैसे ही रहेगा बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेकिन नीचे देखिए ये फोर का स्क्वायर हो गया टू 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 से कैंसर और ये टू भी इससे कैंसर पीछे रह गया टू ए अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं टू ए टू एन आ गया टू ए अभी ये टू है टू ए के ऊपर डिवाइड हुआ पीछे रह गया वन वन को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस बी अब प्लस माइनस वैसे क्या वैसे टू है टू के ऊपर डिवाइड किया तो ऊपर रह गया स्क्र रूट बी का स्क्वेयर माइनस फोर ए सी और ये मेरे पास आ गया एक्स और यही मैंने क्या करना था फाइंड देखिए ऐसे आपने ये फाइंड करना इससे आपने रट्टा नहीं लगाना ए स्केर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आपने याद करना हो और सारा आपने सिंपल इसे सिंप्लीफाई करना है ये स्टेप बाय स्टेप बाय आसान मेथड के साथ मैंने किया है उम्मीद करता हूँ आप सबको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे अल्लाह हाफिज़